जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टूडियो पर आप स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बार्क स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। दोस्तों, हमारी जो क्लास है सिर्फ बार्क के लिए नहीं, अदर जो भी एग्जामिनेशन जैसे एनपीसीएल है, इसरो है, डीआरडीओ, उन सभी की स्किल टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, रेक्टिफायर सर्किट का कैसे निर्माण करते हैं, तो थोड़ा रेक्टिफायर के बारे में हम समझ लेते हैं। रेक्टिफायर एक तरह की कौन सी युक्ति होती है, अर्धचालक युक्ति होती है। कौन सी होती है? अर्धचालक। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसकी चालकता या कंडक्टिविटी जो होती है किसके बीच की होती है, तो इसकी चालकता जो होती है किसके बीच की होती है? कंडक्टर यानी कि चालक और कुचालक के बीच की होती है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की जो चालकता होती है किसकी होती है? अर्धचालक की होती है। ठीक है, अर्धचालक क्या करता है? शुद्ध अवस्था में अगर पूछ ले कि अर्धचालक शुद्ध अवस्था में किसकी भांति कार्य करता है या 0 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक किसकी भांति कार्य करता है, तो कुचालक की भांति। शुद्ध अवस्था में कभी भी जो हमारा अर्धचालक होता है वो धारा का चालन नहीं कर सकता। तो जब हम डायोड का निर्माण करते हैं, जब हम पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमको कुछ अशुद्धि भी मिलानी पड़ती है। अब हमसे पूछा जा सकता है कि अर्धचालक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो अर्धचालक तत्व आपको पूछ सकता है तो सिलिकन, जर्मेनियम और एक होता है कार्बन। सिलिकन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो सिलिकन और जर्मेनियम दो क्या है? अर्धचालक तत्व है। कौन सा है? सिलिकन और जर्मेनियम। अब सिलिकन और जर्मेनियम जो होते हैं शुद्ध अवस्था में क्या करते हैं? अर्धचालक की कुचालक की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति कार्य करते हैं? कुचालक की। तो इनकी चालकता में वृद्धि करने के लिए या धारा के चालन के लिए हमको क्या करनी पड़ती है? इसमें अशुद्धि मिलानी पड़ती है। ठीक है, क्या करनी पड़ती है? हमको अशुद्धि मिलानी पड़ती है। इसमें अशुद्धि हम क्या करते हैं? हमको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अर्धचालक के पास होता है। अगर हमको पूछ ले कि अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होता है, उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो शुद्ध अवस्था में उसमें धारा का चालन होना संभव नहीं है, तो उसमें हमको क्या करनी पड़ती है? अशुद्धि भी मिलानी पड़ती है। तो अशुद्धि मिलाते हैं तो हम दो तरह की अशुद्धि मिलाते हैं उसमें, जिससे हमारा डायोड का निर्माण होता है। एक होता है त्रिसंयोजी तत्व की, एक होती है पंचसंयोजी, यानी कि एक 3 इलेक्ट्रॉन वाला जो तत्व होता है और एक 5 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होता है। ठीक है, जिससे हम पीएन डायोड का निर्माण करते हैं। तो पी प्रकार और एन प्रकार, दो प्रकार के पदार्थों की हम क्या करते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है पी होती है और एक होती है एन होती है। पी प्रकार जो तत्व होता है उसमें त्रिसंयोजक तत्व अशुद्धि मिली होती है। उसमें हम कह सकते हैं कि बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है और इंडियम, ये सारे तत्व क्या होते हैं? त्रिसंयोजी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एन प्रकार के पदार्थ, तो एन प्रकार पदार्थ में पंचसंयोजी तत्व होता है। उसमें हम बात करें तो हमारा फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मित और फास्फोरस, ये सारे तत्व क्या होते हैं? पंचसंयोजी होते हैं। कौन कौन होता है? फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मित, ये सारे क्या होते हैं? पंचसंयोजी तत्व होते हैं। तो इनकी जब हम पी और एन को जब हम मिलाते हैं, जब पी और एन को हम मिलाते हैं तो क्या होता है? हमारे एक पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। अगर हमको पूछ ले कि डायोड किससे बना होता है, मूल रूप से तो पीएन जंक्शन से बना होता है। इसमें पूछ ले आपको डायोड में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, तो डायोड में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। एनोड को हम पॉजिटिव बोलते हैं और कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं। पी प्रकार के पदार्थ त्रिसंयोजी तत्व जब मिलता है तो उसमें कौन से प्रकार पदार्थ मिलता है? जो प्लस पदार्थ बनता है यानी कि धनात्मक होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? धनात्मक आयन भी कह सकते हैं, होल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धनात्मक आवेश भी बोल सकते हैं और होल भी। अगर हम बात करें एन प्रकार के पदार्थ की, तो एन प्रकार पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, थोड़ा इसकी और मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास में ये पीएन जंक्शन डायोड मैंने बनाया डायग्राम, इसमें मैंने बताया त्रिसंयोजी तत्व मिला होता है। क्या होता है? त्रिसंयोजी, और इसमें पंचसंयोजी तत्व मिला होता है। हमको पता है कि सिलिकन और जर्मेनियम जो होता है, सिलिकन और जर्मेनियम जो होते हैं उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगर हम त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, यानी कि त्रिसंयोजी अगर हम मिलाते हैं, तो हमको पता है कि जब 3 प्लस 4 मिलते हैं, यानी कि 4 तो खुद के और 3 इसकी खुद की संयोजकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनता है? 7। यानी अष्टक पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? रिक्त। क्या रहता है? रिक्त। इस रिक्त को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल या धनात्मक आवेश बोलते हैं। अब बात करते हैं पंचसंयोजी में, तो पंचसंयोजी में हमको पता है कि 5 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और प्लस में 4, क्योंकि 5 तत्व 5 संयोजकता होती है, इसमें 4 जब मिलाते हैं कितनी बनती है? 9। यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहता है? एक्स्ट्रा रहता है,
इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब भी ये क्या करता है, डायोड धारा का चालन करता है। हमको पता है कि शुद्ध अवस्था में डायोड कभी भी धारा का चालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें अर्ध, जब ये प्योर अवस्था में होता है तो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, इसलिए हमें इसमें अशुद्धि मिलानी पड़ती है। जब त्रिस्यो तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो ये तीन प्लस चार, चार तो खुद की होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, सात। एक इलेक्ट्रॉन की इसमें रिक्ति रह जाती है, इसको हम होल या क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल या क्वार्टर कहते हैं। ये कौन सा आवेश बनता है? धनात्मक आवेश बनता है। और पंचस्यो तत्व इसकी कितनी होती है? पांच होती है। इसमें जब चार मिक्स किया जाता है, क्योंकि चार खुद की होती है इसकी, सिलिकॉन जर्मेनियम की, तो पांच प्लस चार यानी नौ, यानी कि अष्टक पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाती है, एक्स्ट्रा रह जाता है, तो ये क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समझ में आ गया, उम्मीद है आपको। अब ये अगर हमको पूछ ले कि डायोड में धारा का चालन किस बाइस में होता है, तो फॉरवर्ड बाइस में होता है। किस बाइस में होता है? फॉरवर्ड बाइस में होता है। रिवर्स बाइस में कभी भी डायोड हमारा धारा का चालन नहीं करता, सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में होता है। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ कि डायोड को कैसे हमको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों आज हम जो है सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। ये हमने क्या लगाया यहाँ पर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। क्या लगाया हमने? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। ये हमारा सिंगल फेज 240 वोल्ट एस सप्लाई है। ये हमारा कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर अगर आप पूछ ले, तो ये हमारा स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हमने यहाँ पर चार जो डायोड है इसको ब्रिज के रूप में जोड़ा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आप पूछ ले कि किस प्रकार का होता है, तो ये एक प्रकार का पूर्ण दिष्टकारी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? पूर्ण दिष्टकारी भी बोल सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक होता है हाफ वेव, एक होता है हाफ वेव और फुल वेव, दो तरह के डायोड बनते हैं। तो हाफ वेव में जो तरंग मिलती है वो आधे साइकिल मिलती है, और फुल वेव में क्या मिलती है, पूरे साइकिल में, पूरे चक्र में हमको क्या मिलती है, जो धारा मिलती है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है पूर्ण तरंग का ही प्रकार है। किस प्रकार प्रकार है? पूर्ण तरंग का ही प्रकार है। तो इसका हम ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट देख रहे हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ये हमने ट्रांसफार्मर जोड़ा है, ये हमारे चार डायोड है। अगर हमको डायोड की पहचान पूछ ले तो कैसे करते हैं, देखो डायोड का सिंबल अगर पूछ ले आपको, ये आपका डायोड का एनोड हो गया, ठीक है, ये आपको कैथोड हो गया। एनोड यानी पॉजिटिव, कैथोड यानी नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर हमको पहचान पूछ ले तो इसमें जो सिल्वर पट्टी जो होती है, सिल्वर जो पट्टी होती है वो किसकी होती है? नेगेटिव की होती है। किसकी होती है? नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक की होती है। और जो ब्लैक पट्टी जो होती है, ब्लैक ये किसकी होती है? पॉजिटिव की होती है। किसकी होती है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक की होती है। अब मैं आपको एक डायोड दिखा दूं ताकि आप, तो ये देखिए बच्चों हमारे पास में ये जो आपको दिख रही है सिल्वर पट्टी जो है ये किसकी है? नेगेटिव की है। और जो काली वाली पट्टी दिख रही है किसकी है? पॉजिटिव की है। तो डायोड को पहचानना काफी आसान है, ये इसकी कौन सी लीड है? नेगेटिव वाली लीड है, और ये इसकी पॉजिटिव वाली लीड है, ठीक है। डायोड में टर्मिनल की संख्या पूछ ले दो होती है, एनोड और कैथोड। क्या होती है? एनोड और कैथोड। क्या डायोड रिवर्स बाइस में काम कर सकता है? तो नहीं कर सकता, सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में, सिर्फ एक दिशा में ही कार्य कर सकता। तो इसमें मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया किस तरह कैसे होता है। जो हमारी जो नेगेटिव जो लीड होती है, वो किसकी होती है? ऋणात्मक की होती है। और ब्लैक पट्टी किसकी होती है? पॉजिटिव की होती है। अब ये हमने बता दिया कि डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, रिवर्स में करता है, सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। अब हम डायोड में, डायोड को डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके भी देख सकते हैं कि डायोड के टर्मिनल को पहचान हम सीधा मल्टीमीटर के द्वारा भी पहचान सकते हैं। लेकिन आपको बिना मल्टीमीटर के भी पहचान आना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर हम नेगेटिव पट्टी से हमको पता है कि नेगेटिव जुड़ना चाहिए, अगर इसकी जगह हम पॉजिटिव जोड़ देंगे तो हमारा डायोड धारा का चालन नहीं करेगा। वहीं हम प्लस पट्टी की जगह माइनस दे देंगे तो भी डायोड का धारा चालन नहीं करेगा। अगर हम ब्लैक पट्टी को मल्टीमीटर से किससे कनेक्ट करें, जो प्लस लीड है उससे कनेक्ट करें, ठीक है। जैसे मैं आपको सर्किट डायग्राम, तो ये देखिए ये हमारा डायोड का पी है और एन है। अब ये जब हम पी को जब जोड़ेंगे तो डायोड में धारा का चालन होगा। ये हम धारा के डायरेक्शन बताया था आई, तो ये हमारा जो डायोड है धारा का चालन करेगा। ये इसका क्या है, इसको हम बोलते हैं संधि क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं जंक्शन। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस पट्टी को क्या बोलते हैं, इसको जंक्शन क्षेत्र बोलते हैं। इसका कई नाम है, जैसे इसको हम कई और नाम से भी जानते हैं, इसको जंक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बात करें, ये दोनों जो होते हैं डिप्लीशन, जो इसको हम डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर या अवशय परत भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें दो पदार्थ होते हैं। कितने पदार्थ होते हैं? दो प्रकार के, पी और एन प्रकार के पदार्थ इसमें होते हैं।
तो ये हमने डायोड को फॉरवर्ड में जोड़ा है, तो इसमें इस समय डायोड में धारा का चालन करेगा, क्योंकि जो हमारा प्लस जो है यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस प्लस को विकर्षित करेगा और नेगेटिव नेगेटिव जो है नेगेटिव क्या करेगा, विकर्षित करेगा। समझ आ रही सभी को बात? तो आपको पता है कि समान आवेश जो होते हैं, समान जो आवेश होते हैं, एक दूसरे का करते हैं विकर्षित कर देते हैं, तो यहाँ पर धारा का चालन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और आपका डायोड क्या करेगा, धारा का चालन करेगा। अगर हम डायोड को ऐसे जोड़े, देखिए अगर अब हम डायोड को रिवर्स बायस में जोड़े इस तरीके से, तो ये हमने बैटरी का मान लीजिए, ये बैटरी का माइनस जोड़ा है, ये बैटरी का प्लस जोड़ा है। अब अगर डायोड को जोड़े, तो ये हमारे पास में ये इसका प्लस है डायोड का, ये नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस को कनेक्ट कर लेगा और ये प्लस माइनस को आकर्षित कर लेगा, यानी समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहता है, सॉरी जो विपरीत जो आवेश होते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। इस तरीके से डायोड में धारा का चालन नहीं होगा। डायोड में धारा का चालन कब संभव है, जब हमारे होल और इलेक्ट्रॉन, जब हमारे होल और इलेक्ट्रॉन, इसको प्लस को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, या इसको हम छिद्र भी कहते हैं, और एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जब हमारे धनात्मक आवेश या होल और इलेक्ट्रॉन जब इस जंक्शन को पार करेंगे, तभी हमारे डायोड में धारा का चालन संभव है, अन्यथा नहीं होगा। तो मल्टीमीटर से ऐसे हम धारा का चालन कर सकते हैं। हमको पता है कि मल्टीमीटर से कैसे करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको, तो काफ़ी आसान है इसको करना। मैंने इसकी थ्योरी इसलिए बताया क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के हैं वो इसको देख रहे, तो वो इस प्रैक्टिकल को ढंग से देख ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक पीसीबी बोर्ड देख के आपको ये डायोड का पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल है यही है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो जंक्शन है इसी को पार करेगा, तभी इसमें डायोड में धारा का चालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम रिवर्स बायस में, ये कौन सा बायस है, रिवर्स बायस। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिवर्स बायस क्या होता है, सिर्फ ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों के लिए कॉमन प्रैक्टिकल है, तो आपको ध्यान से देखना है। ये रिवर्स बायस है, जब बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट होता है तो रिवर्स बायस होता है, जब बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से जुड़ता है तो ये कौन सा होता है, इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, या अगर हम अपनी भाषा में इसको जाने तो इसको हम सीधा जोड़ना भी कह सकते हैं और इसको उल्टा जोड़ना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा डायोड जो है, इसमें धारा का चालन आराम से होगा, और हमारा जंक्शन क्या करेगा, होल और इलेक्ट्रॉन जब तक संगम को बार नहीं करेंगे, डायोड में धारा का चालन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मल्टीमीटर से हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम मल्टीमीटर में उल्टी लीड लगाए तो हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यू नहीं दिखाई, इसका मतलब हमने गलत जोड़ा, यानी कि इसी मल्टीमीटर से आसानी से पहचाना जा सकता है। आपको वाइवा में वहां पर आपको मल्टीमीटर से भी पूछ सकता है उसकी पॉजिटिव नेगेटिव को पहचाना, और आपको डायोड डायरेक्ट देखकर भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए। मैंने आपको डायग्राम से बता दिया और डायोड देख के बता दिया, अब मैं आपको मल्टीमीटर मेथड बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमने मल्टीमीटर को इसमें क्या कर दिया, कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया। देखिए मैंने मल्टीमीटर यूज करना सिखाया आपको अच्छी तरीके से, दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा डीसी का वोल्टेज होता है, ठीक है, अलग अलग तरह का वोल्टेज है। ये एसी का वोल्टेज दिख रहा है सभी को, ये एम्पियर है डीसी की, और ये ट्रांजिस्टर के एलएचएफई होता है, और ये आगे आपको डायोड का या कंटिन्यूटी का सिंबल दिख रहा है, ये होता है। उसके बाद में ये प्रतिरोध का होता है, ये आपको दिख रहा है 2 मेगा ओम तक। हमको ट्रांजिस्टर चेक करना है या डायोड चेक करना है, तो इसके लिए हम डायोड पर सेट कर सकते हैं या कंटिन्यूटी के लिए इस पर करते हैं। तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर ले लिया है। अब हमारे पास में एक डायोड है, देखिए ये दिख रहा है सभी को, ये देखिए दिखाई दे रहा है। अब मैं डायोड को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो सिल्वर पट्टी है हमारी, इसमें जो हमारी सिल्वर पट्टी है दिख रही है सभी को, ये जो सिल्वर पट्टी है दिख रही है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मल्टीमीटर को मैं इसमें जो नेगेटिव जो पट्टी है इसको मैं प्लस देख के देखता हूँ, और जो पॉजिटिव जो पट्टी है, पॉजिटिव जो पट्टी है उसको मैं देख के देखता हूँ ऋणात्मक से। तो हमारा काम करता है कि मल्टीमीटर देखिए रीडिंग नहीं दिखा रहा, 0 दिखा रहा है, यानी इसके बीच में कोई डायोड में धारा का चालन नहीं होगा। अब इसको सही जोड़ता है, यानी पॉजिटिव पट्टी को इसमें पॉजिटिव से जोड़ता है, नेगेटिव नेगेटिव से। अब देखिए डायोड में धारा का चालन हो रहा है, यानी इस तरीके से हम डायरेक्ट डायोड को चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, कि डायोड में फॉरवर्ड और जैसे कि इसमें टर्मिनल पहचान सकते हैं। ये इसका, ये देखिए दिख रहा है आपको,
नेगेटिव पट्टी मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दी है और पॉजिटिव पट्टी पॉजिटिव लीड से कनेक्ट कर दी, यानी हमारा डायोड में धारा चालन हो रहा है, यानी ये फॉरवर्ड बाइस है और डायोड एकदम सही है। ठीक है, आप इसकी डायोड में ये भी चेक कर सकते हैं, अगर डायोड मान लीजिए बीच में से क्या कई बार डायोड क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो हम इसको बीच में रिवर्स करके भी हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रिवर्स में भी धारा का चालन हो चुका है, इसका मतलब ये डायोड ख़राब हो चुका है। डायोड कभी भी रिवर्स बाइस में काम नहीं करना चाहिए। अगर पूछ ले रिवर्स बाइस में कौन सा डायोड काम करता है, तो रिवर्स बाइस में काम करने वाला एक डायोड होता है, वो होता है जिनर डायोड। नॉर्मल डायोड कभी रिवर्स बाइस में काम नहीं करता, अगर करता है तो उसमें वो डायोड ख़राब हो चुका है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिवर्स में करेंगे धारा का चालन नहीं करेगा, और फॉरवर्ड में आराम से कर रहा है। तो मैंने आपको डायोड के टर्मिनल चेक करने बता दिया आपको, और डायोड में कैसे पॉजिटिव नेगेटिव पहचान से मल्टीमीटर से भी और डायरेक्ट डायोड को देख के भी दोनों मेथड से आप पता लगा सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको ब्रिज एक्टिवा बनाना सिखाता हूँ, बहुत आसान है इसको बनाना। इसको देखिए बच्चों, हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लिया है, ठीक है। इसकी प्राइमरी सेकेंडरी में पहले ही बता चुका हूँ कैसे चेक करते हैं ट्रांसफार्मर की। देखिए देखते ही आप पहचान सकते हैं, अगर तीन टेपिंग लगी हुई है, तीन तार लगा, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग है और दो है तो प्राइमरी है, ठीक है। अगर दो दो होती है तो भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने कंटिन्यूटी मेथड बता रखा कैसे ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को जोड़ लेते हैं, इसकी प्राइमरी साइड में हम क्या करते हैं, वोल्टेज दे देते हैं। हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया, डायरेक्ट कर लेते इसको कनेक्ट। अब ये इसकी सेकेंडरी साइड है, इसको हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं, इससे हमने कनेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा कनेक्ट। अब ये सेकेंडरी साइड, इसमें हमको क्या करना है, डायोड जोड़ना है। तो मैं आपको डायोड जोड़ना सिखाता हूँ कैसे जोड़ना है आपको। इसका डायोड का जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को डायोड को, चार डायोड हम ले लेते हैं, इन सब के पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पहले बता चुका हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ये देखिए इस तरीके से आप कनेक्ट करना है, ये दो डायोड हमने लिए, इसके पॉजिटिव नेगेटिव को हम कनेक्ट कर लिया। इस तरीके से हम दो और ले लेंगे, ये हमने दो ले लिए डायोड, इसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया। अब ये दो डायोड और है, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव को हम कनेक्ट कर लेंगे आपस में। देखिए इसका नेगेटिव है ये, और ये इसका क्या है, ये पॉजिटिव है। इसको हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। सबसे पहले हम क्या करना है, दो डायोड ले लेना है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर लेना है, फिर दो डायोड लेना है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास में जो सिरे बच गई है, देखिए ये हमारे पास में चार डायोड है, ये दो अलग दिख रहे हैं आपको और ये दो अलग दिख रहे हैं। अब इनके जो बच गए सिरे, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। जैसे ये वाला सिरा बच गया, तो यहाँ पर देखिए आप, आपको दिख रहा होगा ये इसकी नेगेटिव पट्टी है, और जो पट्टी है उसको हमको कनेक्ट कर देना। देखिए दिख रहा है सभी को, पॉजिटिव पॉजिटिव पट्टी को एक साइड कनेक्ट कर देना और नेगेटिव नेगेटिव को। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, इसको कनेक्ट कर देना आपस में। पॉजिटिव जो पट्टी है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं पहले। आप चाहे तो बच्चों इसको पीसीबी प्लेट पर भी बना सकते हैं, ठीक है। पीसीबी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस के रूप में मैंने आपको ऐसे बताया, नहीं तो आप चाहे तो सीधा पीसीबी पे बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनेगा। तो इसका ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो चुका है। अब ये बच गया जो नेगेटिव नेगेटिव, इसको अभी कनेक्ट कर देते हैं हम। ये देखिए बच्चों हमारा एक ब्रिज एक्टिव सर्किट बन चुका है। देखिए जो नेगेटिव नेगेटिव है हमारा, जो एक पॉजिटिव नेगेटिव है और एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से हम क्या दे देंगे इनपुट ऊपर वाली साइड में, और ये जो ऊपर वाली साइड आपको दिख रही है, दो दिख रहा है सभी को, ये वाली साइड इसको हम क्या दे देंगे इनपुट दे देंगे, और जो यहाँ पर जो निकल रही है नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट आ जाएगा। हमारे पास बच्चों ये मैंने आपको प्रायोगिक रूप से बताया, हमारे पास में एक जो हमने पीसीबी प्लेट पे भी बना के रखा है उसको भी हम दिखा देते हैं। अब देखिए ये हमने पीसीबी पे कनेक्ट कर रखा है, पीसीबी पे हमने क्या कर रखा है, चार कनेक्ट कर रखे हैं। आप भी चाहे तो इनको पीसीबी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो आपको क्या देखना है, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, एक आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है। अब मैंने आपको सप्लाई देने का तरीका बता दिया है कैसे आपको सप्लाई देना है, जो एक जो पॉजिटिव नेगेटिव उसको सप्लाई दे देना है, एक पॉजिटिव नेगेटिव उसको इनपुट दे देना है, नेगेटिव नेगेटिव जो निकलता है उसको आउटपुट दे देना है, और पॉजिटिव पॉजिटिव उसको भी आउटपुट दे देना है, ठीक है। एक पॉजिटिव नेगेटिव हम कर देंगे इनपुट देंगे। अब ये इस साइड में मार्कर से मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि आपको समझ में आ पाए। ये प्लस माइनस एक जो था कनेक्ट हो रहा है इसको हम कह देंगे फेस, और एक जो प्लस माइनस आ रहा है इसको हम कह देंगे न्यूट्रल, कह देंगे हम
इसको डायरेक्ट हम न्यूट्रल दे देंगे, इसको हम क्या दे फेस देंगे। अब जो हमारा यहाँ से जो बार आउटपुट में आया प्लस प्लस सीरा माइनस माइनस सीरा, हो सकता है आपको दिखा है या नहीं दिखा है, लेकिन आपको डायग्राम को ध्यान रखना है, ठीक है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव नेगेटिव सीरा, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, सिलो पट्टी यहाँ पर आ जाएंगे माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, दिख रहा है सभी को, ये आउटपुट होगा हमारा। यहाँ से प्लस माइनस कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या दे फेस, एक प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या देंगे न्यूट्रल। अब जो हमारा प्लस प्लस है उससे निकल जाएगा आउटपुट हमारा प्लस का, और माइनस माइनस यहाँ से हमारा आउटपुट का निकल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको अच्छे से बता दिया आउटपुट है, इसका इनपुट, अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप चाहे तो पूरे सर्किट को एक पीसीबी बना सकते हैं, मैंने आपको प्रायोगिक रूप से बताया, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर से जो प्लस, ट्रांसफार्मर में वैसे तो कोई फेस न्यूट्रल होता नहीं है, फिर भी आप आराम से इसको चाहे जोड़ सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको मान लिया फेस है, यहाँ से इसको मैंने मान न्यूट्रल, आप इसी को भी फेस न्यूट्रल मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ से एक तार उठा लिया, इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अब दूसरा तार है, इसको मैं जो इसका सिरा जो विपरीत है जो मैंने बताया था आपको, ये देखिए न्यूट्रल, यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट, इसको हम क्या कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं, कर दिया हमने। अब ये हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट, तो इस आउटपुट को हम सबसे पहले मल्टीमीटर पे आपको चेक करके दिखाते हैं, मल्टीमीटर पे हमारा कितना वोल्ट बता दें डीसी पे। ये हमने मल्टीमीटर को डीसी पे सेट कर लिया, देखिए ये डीसी पे सेट होता है, हमने 200 वोल्ट पे किया, अधिकतम रेंज रखेंगे तो आपको मीटर खराब होने की संभावना रहेगी नहीं रहेगी, तो मैंने 200 वोल्ट सेट कर लिया। अब इसका जो प्लस माइनस यहाँ से आता था, मैंने आपको बता दिया कैसे प्लस माइनस चेक करना है, तो इसके जो यहाँ पर है, हम सबसे पहले मल्टीमीटर से लीड लगा के चेक कर लेते हैं डीसी निकाल रहा है नहीं निकाल रहा, इसको हम चेक कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट। देखिए ये 9 वोल्ट डायरेक्ट बता रहा है, दिखा रहा है सभी को। अब हम हमारे पास में एक एलईडी है, छोटा लैंप है, उसको भी हम लगा कर देख लेते हैं ये हमारा चलता है नहीं चलता। बच्चों हमने एक एलईडी को तार से लगाया, आप चाहे तो इसको भी पीसीबी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ये जो प्लस वाले तार को इससे लाल वायर से जोड़ दिया और नेगेटिव को काले वाले वायर से जोड़ दिया। अब हम मैं आपको इसके आउटपुट में लगा कर देखता हूँ और हमारे को डीसी मिलती है नहीं मिलती और ये लैंप जलता नहीं जलता। यहाँ पर हमने इसको लोड के रूप में कनेक्ट किया। बच्चों आप इसमें चाहे तो एक संधारित्र भी जोड़ सकते हैं जो कि फिल्टर काम करेगा, फिल्टर से इसके पल्सेज क्या होंगे कम से कम हो जाएंगे। इसमें चाहे तो हम फिल्टर सर्किट में पाई वगैरह प्रकार के भी फिल्टर जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको नॉर्मल चला के देखते हैं। ये हमारा प्लस वाला सिरा है और ये हमारा माइनस वाला सिरा है, दिख रहा है, ये प्लस वाला सिरा माइनस वाला सिरा है, तो इसको मैं डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देता हूँ। माइनस वाला सिरा इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों ये फ्लिकरिंग इसलिए कर रहा है, थोड़ा बहुत ये कर रहा है क्योंकि इसमें पल्स है, थोड़ा डीसी के प्योर डीसी है नहीं, हम चाहे तो समांतर क्रम क्या लगा सकते हैं, कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, तो हमने इस तरह के डीसी प्योर लगा दिए। ये हमने रजिस्टर लगाया श्रेणी क्रम में ताकि एलईडी हमारी फ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर लोड प्रतिरोध लगा दिया और हमने इनपुट में ऐसी दे दी, यहाँ पर यहाँ आउटपुट में हमारे क्या मिल गई, डीसी मिल गई, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से प्रैक्टिकल समझ में आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। बच्चों आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।